नमस्ते बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप के लिए फसल जो था वो कितना इम्पॉर्टेंट था। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। अब जो ब्रिटिश कंपनी थी, अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी और अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने देखा, उसने रियलाइज़ किया कि ये जो ज़मीन है, ये जो किसान है, ये किसान सिर्फ हमारे रेवेन्यू को ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बल्कि वो क्रॉप्स भी ये उगा सकते हैं जो ब्रिटेन को रिक्वायर्ड है, यूरोप को रिक्वायर्ड है। सो उनका ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा इससे। बाई द 18th century द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। तो 18th century के आते आते अंतिम समय में, 18th century के अंतिम समय में, late 18th century, द कंपनी जो थी वो ट्राई करती है अपने कल्टिवेशन को और भी एक्सपेंड करती है वो, और ओपियम और इंडिगो की खेती की शुरुआत करवाती है। इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। तो ये जो कंपनी होती है वो किसानों को फोर्स करती है कि आपको ब्रिटिश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉपिंग करनी होगी। तो कल्टिवेटर्स जो होते हैं, जैसे कि पहले जो होता है जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब एंड कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। तो इस तरीके के क्रॉपिंग यहाँ पे करवाई जाती है। सो हाउ वाज दिस डन? द ब्रिटिश यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। दे अस लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप्स ऑन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शंस। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो वेराइटीज ऑफ मेथड अपना रहे थे और उससे उनका जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप था वो एक्सपेंड कर रहा था, बढ़ रहा था ज़्यादा, और उससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, डज कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या इतिहास? रंग का भी होता है, रंग का भी कोई इतिहास होता है? तो इस फिगर में आप लोग देखेंगे, यहाँ दो तरह का पिक्चर दिया हुआ है। इस दोनों पिक्चर में एक जो है वो 20th century का भारत का एक कलमकारी छापा है और दूसरा मॉरिस कॉटन छापा है 19वीं सदी के इंग्लैंड का। तो द इमेजिन ऑन द लेफ्ट फिगर 5 शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ये आंध्र प्रदेश इंडिया के लोगों ने इसे कलमकारी तरीके से उकेरा है। ऑन द राइट इट इज़ ए फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस, अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th century ब्रिटेन। देयर इज वन थिंग कॉमन, इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? द टू प्रिंट बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर। दोनों में ब्लू कलर का ज़्यादा यूज किया गया है, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको हम लोग नील भी कहा करते हैं, इंडिगो भी कहा करते हैं। सो द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स, जो ब्लू आप इस प्रिंट्स में देख रहे हैं, दैट वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये ब्लू कलर जो प्रोड्यूस किया गया है वो एक प्लांट से प्रोड्यूस किया गया है और उस प्लांट का नाम है इंडिगो। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th century ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई, ये जो ब्लू डाई है जो मॉरिस के प्रिंट में यूज़ किया गया है, ये 19th century ब्रिटेन की 19th century की है, जो मैन्युफैक्चरिंग उस समय होता था प्लांट से इंडिगो। एंड फॉर द इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो था वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंडिगो का सप्लाई करता था।
सो द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स. इंडिगो प्लांट जो है शुरुआती दिनों में उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था. प्रारंभिक रूप से नील का पौधा वहीं पे उगता था. बाई द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली. और 13th सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो था वो यूज़ किया जाने लगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, और इसी से क्लॉथ की डाई की जाती थी. भारतीय नील का इस्तेमाल किया जाता था कपड़ों की रंगाई के लिए. However, only a small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. जबकि उस समय तक भारतीय नील जो था वो यूरोपियन मार्केट तक थोड़ा बहुत पहुंच चुका था, बट इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई थी. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स बिफोर हैड टू डिपेंड ऑन एनदर प्लांट्स कॉल्ड वुड. अब जिनको ये नील नहीं मिल पाता था तो वो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते थे और उस प्लांट का नाम था ओड. वोड, ओड. तो ओड नामक नीला रंग बनाने का एक पौधा था जिस पे वो निर्भर रहते थे. बट बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, ओड्स वाज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप. यूरोप में ये काफ़ी आसानी से मिल जाता था. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो जितने भी शीतोष्ण यानी जितने भी आप टेम्परेट जोन के ये कंट्रीज हैं वहाँ पे ये बड़े आसानी से मिल जाता था. यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. यूरोप हमेशा अलग अलग देश के सरकार को प्रेशराइज करते रहती थी कि वो इंडिगो को बेचना, इंडिगो का इम्पोर्ट वहाँ से बंद कर दे, इंडिगो को ख़रीदना बंद कर दे, जिससे उनके लोकल एरिया में जो ओट्स मिलता है उससे जो कलर तैयार होता है उस कलर का वो यूज कर सके. बट जो लोकल रूलर थे, लोकल जो व्यापारी थे, वो जानते थे कि क्लॉथ डायर जो है वो ज़्यादातर इसी ब्लू कलर इंडिगो का ही डाई प्रीफर करते हैं. इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम ओट्स वाज पेल एंड डल. जहाँ इंडिगो के द्वारा जो ब्लू कलर निकलता था वो काफ़ी बेहतरीन और चमकदार होता था, जबकि ओट्स के द्वारा जो कलर होता था वो थोड़ा मध्यम होता था. By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. अब 17th century आते आते European के लिए जो import था indigo का, इसको थोड़ा relax दिया. And the French began cultivating indigo in Saint Domingo. और France जो था वो cultivation शुरू किया नील की. तो France था Saint Domingo में, जो कि एक कैरेबियन आइलैंड है. पुर्तगाल ब्राज़ील में, इंग्लिश जमैका में और स्पेनिश वेनेजुएला में. इंडिगो प्लांटेशन आल्सो केम अप इन द मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इंडिगो प्लांटेशन जो था वो नॉर्थ अमेरिका के भी कई हिस्सों में उगाया जाने लगा था. By the end of the 18th century, the demand for the Indian indigo grew further. 18th century के अंत तक Indian indigo का जो demand था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically. जो Britain था वहाँ industrialization हो रहा था, cotton production एकाएक काफ़ी तेज़ी से जिसका demand बढ़ा, expand किया, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई. और जिसके कारण जो एक डिमांड होना चाहिए नए डाई का, क्लॉथ डाई किया हुआ का, उसका डिमांड बढ़ गया. वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन. अब जब यहाँ डिमांड बढ़ गया तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो एरिया था जहाँ पर इसकी डिमांड थी वहाँ जितना फुलफ़िल होना चाहिए था वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था. क्यों? इसका कई कारण हो सकता था. अब इसका कारण
अलग अलग तरह का था। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो द फील्ड वाई हाफ, एक तो हो गया कि 1783 से 89 तक में इसका जो नील था उसकी जो उपज थी वो आधी हो गई। क्लॉस डायर इन ब्रिटेन नाउ स्पेशली लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, अब ये जो क्लॉथ डायर्स थे, क्लॉथ को रंगने वाले लोग थे, अब वो कलर के लिए इंडिगो से इतर दूसरे चीज़ के सप्लाई पे ध्यान देने लगे। सो फ्रॉम वेयर कुड द इंडिगो बी प्रोड्यूस, अब उन्हें लगता था कि जो ये इंडिगो है उसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर कहाँ से वो उसे मिल सकता है। फिर एक बार ब्रिटिशर्स ब्रिटेन की ओर आए, उनको लगा कि फेस्ड विथ अ रेजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, इंडिगो में जो इंडिगो का जो यूरोप में डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी जो है इंडिया में इसके कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने का प्रयास किया, उसको एक्सपेंड करने का रास्ता ढूंढने लगी। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में क्या है, द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो अगस्त 1791, पेंटिंग बाई जनवरी अस्कुद होल्सकी, इसके द्वारा यह चित्र बनाया गया है। इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो एंड शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी सेंट डोमिंगो, 18वीं शताब्दी में डोमिंगो में कैसे ये लोग बनाते थे। कैरेबियन आइलैंड द अफ्रीकन स्लेव्स वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज इन रिवेलियन इन 1791, बर्निंग द प्लांटेशन एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स इन 1792। फ्रांस एबोलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच सोसाइटी फ्रेंच कॉलोनीज, दिस इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरेबियन आइलैंड।